हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो है रैम के ऊपर, जिसे हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। कुछ लोग इसे डी रैम भी बोल देते हैं, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। कुछ लोग इसे एसडी रैम भी बोल देते हैं, सिंक्रोनाइज डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये सभी एक ही चीज होती है, जिसको हम रैम ही बोलते हैं, सिर्फ अलग अलग नाम ही अलग अलग है। फ्रेंड्स, ये होती क्या है, व्हाट इज रैम? तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हमारे सिस्टम की सेकंड फास्टेस्ट मेमोरी होती है और ये हमारे सिस्टम की प्राइमरी मेमोरी होती है, जो कि वॉलेटाइल होती है। वॉलेटाइल यानी कि जब भी हमारा सिस्टम शटडाउन होगा या रीस्टार्ट होगा, तो रैम में जो भी उस टाइम डाटा होगा वो आपका ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, इसलिए इसे वॉलेटाइल बोलते हैं। देन जो हमारी हार्ड डिस्क होती है वो नॉन वॉलेटाइल होती है, क्योंकि उसमें जो डाटा है वो डिलीट नहीं होता जब आपका सिस्टम शटडाउन हो जाता है, देन वो अपने आप सिस्टम में सेव हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग के, ये वर्क कैसे करती है रैम हमारी। तो फर्स्टली फ्रेंड्स, हमारी जो रैम होती है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होती है हमारे नॉर्थ ब्रिज के साथ। देन हमारा जो नॉर्थ ब्रिज होता है वो हमारे सीपीयू के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। देन फ्रेंड्स, आप अपने सिस्टम में जब जो भी टास्क परफॉर्म करते हो उससे रिलेटेड जो भी फाइलें होती हैं वो आपकी रैम में ओपन होती हैं। इवन के जब आपका जो सिस्टम वो स्टार्ट होता है, जब वो बूट होता है, देन उससे बूटिंग से रिलेटेड जो भी फाइलें होती हैं वो आपकी रैम में ही ओपन होती हैं। जो जैसे 4K फाइलें होंगी और भी काफी सारी फाइलें होती हैं जो रिक्वायरमेंट होती है आपको आपके बूटिंग प्रोसेस को कम्प्लीट करने के लिए, वो सारी रैम में ही ओपन होती हैं। अगर आपको बूटिंग प्रोसेस के बारे में नहीं पता है फ्रेंड्स, तो मैं ऊपर आई बटन में वीडियो दे दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं कि आपका जो सिस्टम है वो बूट कैसे करता है। देन बात करते हैं हमारी रैम में ये फाइलें रैम में ही क्यों लोड होती हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल वैसे ऐसा होता नहीं है, बट इन केस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। हमारा जो सीपीयू है, अगर आपकी जो हार्ड डिस्क है उससे डायरेक्टली फाइलें लेगा, तो क्या होगा, हमारी जो हार्ड डिस्क की स्पीड है वो बिल्कुल ही कम होती है। सिक्वेंशियल में ज्यादा से ज्यादा वो 150 से लेके 200 MB तक की स्पीड दे पाती है आपको। देन अगर वो डायरेक्टली आपके सिस्टम आपका जो सीपीयू है डायरेक्टली फाइलें लेगा आपके हार्ड डिस्क से, तो क्या होगा, उसमें बॉटलनेक हो जाएगा, यानी कि आपकी जो हार्ड डिस्क की स्पीड है वो तो बिल्कुल ही कम है, देन आपकी जो सीपीयू की स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा होती है। उसमें क्या होगा, आपका जो सीपीयू है उसको टाइम से फाइलें नहीं मिलेगी, देन क्या होगा, आपके सिस्टम में बॉटलनेक हो जाएगा, यानी कि आपका जो सिस्टम वो हैंग होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसमें प्रोसेस ही नहीं कंप्लीट हो पाएगा। इसलिए इन बिटवीन इन रैम और कैच को यूज किया जाता है। इसलिए फ्रेंड्स, ये जो मेमोरी होती है ये वॉलेटाइल होती है। वॉलेटाइल यानी कि जब भी आप अपना सिस्टम रिस्टार्ट करोगे या शटडाउन करोगे, ऑटोमेटिकली उसमें जो भी फाइलें होंगी वो आपकी डिलीट हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, इसीलिए ये फास्टर भी होती है। सेकेंड फास्टर ये आपकी रैम ही होती है, उससे पहले क्या होती है कैच। आपका जो सीपीयू होता है उसमें तीन तरीके की कैच होती है, L1, L2, L3। देन फ्रेंड्स, इन फ्यूचर मैं इस पे भी वीडियो एक बनाऊंगा, जिसमें आपको मैं चेक करके दिखाऊंगा आपकी जो हार्ड डिस्क की स्पीड है वो कितनी होती है, आपकी जो रैम की स्पीड है वो कितनी होती है, देन आपकी जो कैच की स्पीड होती है वो कितनी होती है। उस पे एक मैं प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊंगा, जिसपे इसको आप देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें रैम की जरूरत क्यों पड़ती है, देन कैच की जरूरत क्यों पड़ती है, देन हमारी जो हार्ड डिस्क की स्पीड है वो इतनी कम क्यों होती है। क्योंकि ये मतलब पर्टिकुलर किसी फाइल पे डिपेंड नहीं होता, क्योंकि हमारे सिस्टम में काफी सारे फाइलें होती है। अगर तो सिक्वेंशियल फाइल होगी तो उसकी जो स्पीड होगी वो आपकी हार्ड डिस्क की स्पीड जो होगी सिक्वेंशियल फाइल पे वो ऑब्वियसली ज्यादा होगी, हार्ड डिस्क पे या रैम पे या SSD जो भी आप डिवाइस ले लो उस पर आपकी जो सिक्वेंशियल स्पीड है वो बहुत ज्यादा आएगी। बट मेनली डिपेंड करता है आपकी जो 4K फाइलें होती हैं, जो बिल्कुल 4K यानी कि 4K रेजोल्यूशन ही मतलब 4KB की फाइलें होती हैं, जो कि आपके सिस्टम में होती हैं बहुत सारी। जब भी आप कोई भी प्रोसेस करते हो विंडो से रिलेटेड, विंडो के में काफी 4K फाइलें होती हैं। इन फ्यूचर जो जब मैं वो वीडियो बनाऊंगा प्रैक्टिकल बेस्ड, उसमें आपको बताऊंगा ये 4K फाइलें क्या होती है, उस पर आपको जो स्पीड है बिल्कुल ही माइनर मिलती है, बिल्कुल ही माइनर। देन फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसकी टाइप की, ये कितने कितने टाइप की होती है। फर्स्टली फ्रेंड, आपकी आ जाती है DDR1 रैम, जिसको हम DDR भी बोल देते हैं। आजकल तो वैसे इसका यूज नहीं होता, बहुत ही पुरानी हो चुकी है। उसके जो साइजेस आते थे DDR1 में 128 MB से स्टार्ट हो जाती है, इससे में भी शायद कम भी आती हो, मैंने 120 MB तक देखी है। देन उसके बाद में 256 MB, देन 512 MB, देन 1024 MB यानी कि 1 GB। देन उसके बाद में जो वर्जन आ गया उसका DDR2, DDR2 के बाद में होती है DDR3, देन उसके बाद में आ जाती है DDR4,
अब तो फ्रेंड्स मार्केट में DDR5 भी आ चुकी है जो कि काफी फास्टेस्ट है, बट वो कंज्यूमर लेवल तक अभी बहुत कम ही आई है। ज्यादा से ज्यादा मतलब हमारे कंज्यूमर लेवल प्लेटफॉर्म पे DDR3 या DDR4 ही यूज हो रही है। इवन कुछ कस्टमर जिनके पास बहुत ज्यादा पुराना पीसी है वो DDR2 भी यूज कर रहे हैं, और जो लेटेस्ट है वो DDR5 रैम। इस पे भी फ्रेंड्स मैं एक सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगी, ये DDR1, 2, 3, 4, 5 इनमें क्या डिफरेंस होता है। देन फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं, हम अगर मार्केट में जा रहे हैं तो इसको लेना चाह रहे हैं तो इसको हम कंपेयर कैसे करेंगे, कौन से वो फैक्टर होते हैं, कैसे इसको कंपेयर किया जाएगा, ये फास्ट है ये फास्ट है। फर्स्टली फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बता दिया इसकी जो टाइप्स होती है, फर्स्टली तो जितनी जैसे DDR1 जो है वो DDR2 से स्लो होती है, जैन DDR2 DDR3 से स्लो होती है, DDR3 DDR4 से स्लो होती है, DDR4 DDR5 से स्लो होती है। ठीक है, फर्स्टली तो ये हो गया उनकी टाइप, ठीक है, DDR1, 2, 3, 4, 5 ये हो गया। देन उसका साइज याद आता है वो कितनी है, 1 GB है, 2 GB है, 4 GB है, 6 GB है, 8 GB है या 16 GB है, जितना भी व्हाटएवर साइज, दो हो गए। देन उसके बाद में उसकी फ्रिक्वेंसी आ जाती है, वो कितने मेगाहर्ट्ज या कितने गीगाहर्ट्ज तक परफॉर्म कर रही है, तीन फैक्टर हो गए। ये तो कॉमनली आपने शायद सुना ही होगा इसके बारे में, तीनों फैक्टर के बारे में। देन जो फोर्थ फैक्टर आ जाता है वो होता है लेटेंसी, उसकी लेटेंसी है, क्योंकि आप मोस्टली रैम का साइज चेक कर लेते हो या उसकी स्पीड चेक कर लेते हो, बट लेटेंसी बहुत ज्यादा कस्टमर नहीं चेक करते, इवन कि उनको पता भी नहीं होता ये लेटेंसी क्या होती है। इन फ्यूचर फ्रेंड्स मैं इस पे भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको डिटेल में बताऊंगा ये लेटेंसी क्या होती है, कैसे इसको मेजर करते हैं। फ्रेंड्स इन रैम को बनाने के लिए नैंड फ्लैश चिप्स होती हैं, उनका यूज किया जाता है जो कि काफी फास्टर होती है। जैसे आपने देखा होगा जो हमारी DDR1 रैम थी उसमें जो उसके नैंड फ्लैश मेमोरी का जो साइज था वो, यानी कि उस पे जो ब्लैक लगे होते थे चिप्स, उसका साइज बहुत बड़ा होता था। जैसे जैसे रैम आगे बढ़ती जा रही है उसका जो साइज है वो डिक्रीज होता जा रहा है, यानी कि जो चिप्स का साइज है वो डिक्रीज होता जा रहा है। देन उसमें जो ट्रांजिस्टर है उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है और जो उसका जो साइज है वो डिक्रीज होता जा रहा है। इसी के कारण अगर उसमें जो भी ट्रांजिस्टर बढ़ते जा रहे हैं उसमें जो वर्किंग है उसी के हिसाब से उसकी जो स्पीड है वो ज्यादा होती जा रही है, लेटेंसी है जो है। आपको रैम के बारे में पता लग गया होगा रैम क्या होती है, कैसे उसकी वर्किंग होती है। देन फिर भी फ्रेंड्स आपका इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है, कोई बात समझ में नहीं आई तो आप सिंपली मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। देन फ्रेंड्स अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियो और देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देन मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, देन जिनको भी इनकी जरूरत है उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। सो फ्रेंड्स हैव ए गुड डे, गुड बाय, थैंक।